नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बिजनौर पूर्व विधायक बीजेपी नेता के फोटो पर शरारती तत्वों ने पोती कालिक। गुरु रविदास विश्व महापीठ ट्रस्ट के महामंडलेश्वर रविदास आचार्य सुरेश राठौड़ के सैकड़ों बैनर और होर्डिंग्स पर शरारती तत्वों ने कालिक पोती। सुरेश राठौड़ ने एसपी से की शिकायत। बैनर पोस्टर से सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का भी लगाया आरोप। नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से टिकट के भावी उम्मीदवार सुरेश राठौर नगीना लोकसभा के कोतवाली धामपुर नगीना नूरपुर शिवारा और नेटौर में फाड़े गए होर्डिंग्स बैनर। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर। भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसको लेके मैंने अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कुछ होल्डिंग्स लगाए थे जो हजारों की संख्या में, और लगभग 100 से अधिक होल्डिंग के ऊपर मेरे चित्र पे जो मेरा फोटो लगा है उसके ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ किए, काला रंग लगा के इस तरह का कृत्य किया। कहीं कहीं माननीय मोदी और योगी जी उनके चित्रों को फाड़ा गया। अशोभनीय, निंदनीय कार्य। विधायक जी, आपको क्या लग रहा है, किस ऊपर शक है? अब देखो, मैंने कुछ कहने से था, पुलिस का काम है, लेकिन मैंने कल पूरा जाके देखा है, बहुत सारी जगह पर कैमरे लगे हैं जी। जैसे सहजपुर है, सहजपुर को तो अपने चौकी है उसके सामने लगे हैं, सहजपुर में स्टेट बैंक के सामने कालक पोती गई हुआ है, सुवारा थाने के ठीक सामने होल्डिंग पे लगाया गया, वहाँ कैमरे लगे हैं, नगर पालिका कैमरा भी लगा, थाने का कैमरा लगा, और नगीना में भी उनको देखा गया 11:53 पे कोई मीडिया आई है गाड़ी, उससे दो बच्चे निकले और दोनों ने अपना डंडा निकाला और ताला खोल दिया, 2 मिनट में वहाँ से चले गए। शिकायत की आपने कहीं इस बात? मैंने मुकदमा दर्ज कराया नगीना कोतवाली में। अच्छा, नगीना से आप लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है विपक्ष की भी चाल हो सकती है? और कुछ भी संभावना हो सकती है, कोई तो बौखलाया होगा जिसने ये काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह की करते कभी नहीं कर सकता, इस पर हम कोई शक भी नहीं कर रहे। ये काम कोई उदंडी व्यक्ति कर सकते हैं, या जो लोग ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, तो इस तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और वो किसी भी कीमत पर कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं। आप एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने क्या आश्वासन आपको दिया? विजय कप्तान साहब ने जल्दी से जल्दी इस केस के खुलासे के लिए कहा गया है और जल्दी वो खोल देंगे, काफ़ी टुकड़े उनको लग गए हैं और कई स्थानों की पुलिस उन्होंने लगा रखी है, टीम बना दी है, टीम के द्वारा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो जल्दी से इसको खोल। नेताजी, जैसे आपने कहा